देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की ईडी स्पेशल राव रेवेन्यू कोर्ट ने जिन आरोपियों को समन किया उनमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधायक तेज प्रताप यादव के अलावा अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी शामिल हैं। इन सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अलीगढ़ जनपद के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पिसावा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे, जिसके बाद पिसावा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। वहीं इस मामले में आज अदालत की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। कोयला घोटाले के 17वें केस में दिल्ली की राव रेवेन्यू अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें कंपनी रंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के मालिक आरएस रुंगटा, संजय रुंगटा शामिल है। कॉटन के प्रति बढ़ावा देने के लिए विश्व कपास दिवस आज मनाया जाता है। कॉटन के कपड़े से ठंडक और आरामदायक सुकून मिलता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कॉटन का कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है। मध्य प्रदेश के सीहोर में महिला अत्याचार के विरोध में कांग्रेस जिले में अभियान चलाएगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मिले निर्देशों के बाद जिले में अलग अलग तारीखों को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज किसान जयपुर का सचिवालय का घेराव करेंगे। शनिवार को राजस्थान में भारतीय किसान संघ ने इसकी घोषणा की है। किसान संघ ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर किसान संघ से जुड़े सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है, साथ ही किसानों ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है। प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल नागर ने बताया कि इस आंदोलन में चित्तौड़ प्रांत के सभी 16 जिलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। उत्तराम नाय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज आज जयपुर जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया है, वहीं उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। बता दें कि आज शिमला में विभिन्न श्रेणी में 41 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन होगा। ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे युवा इंटरव्यू दे सकते हैं। इस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए आवेदक आवेदिका का नाम शिमला क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में आज से जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन होने जा रहा है। उक्त आयोजन को लेकर शनिवार को स्कूल के प्रधानाचार्य एवं मेले से जुड़े व्याख्याताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं की तैयारी की गई है। झारखंड की राजधानी रांची में आज अधिक बारिश होने की संभावना है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रांची में 46.7 मिलीमीटर वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान घटकर 29.5 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़कर 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने का अनुमान है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1919 में गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशित की गई थी। आज ही के दिन 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। आज ही के दिन 1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी थी। आज ही के दिन 1978 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2004 में जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।